तो गाइस कैसे हो यार। तो आप सबका फिर से स्वागत है एक और उड़ते फुड़ते गेम प्ले वीडियो में। अब मैं 2 दिन आउट ऑफ नोवेयर के था, यहाँ तो पूरा का पूरा बम ही फट गया यार, सारे सर्वर उड़ गए। मेरा मतलब है पबजी फाइनली बैन हो चुका है इन इंडिया। अब मैं कल दोपहर के 3 या 3:30 बजे जब अपना पबजी अकाउंट खोला तो मुझे 2 MB का अपडेट आया। मैंने सोचा यार आज पबजी वाले ने अच्छा खासा कोई इवेंट दिया होगा या फिर नाइट मोड दिया होगा हेलोवीन का, तो मैं खुश हो गया। और जब मेरा 2 MB का अपडेट डाउनलोड हो गया तब मुझे ये लिखा दिखा। अब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। अब मैंने थोड़ी देर बाद लॉग आउट किया और फिर से लॉग इन किया तब मुझे ये लिख के आया, सर्वर इज़ बिजी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। अब मैं समझ गया यार पबजी फाइनली बैन हो चुका है। अब पबजी पहले से ही बैन हो चुका था लेकिन हमारे जो सर्वर थे ते अब भी चालू थे, तो वो कल जाके डाउन हुए, मतलब कल जाके बंद हुए। अब क्या ही कर सकते हैं यार, जो बैन होना था वो हो गया। अब मैं पोचिंग के में आया था और यहाँ सिर्फ अकेला ही बंदा था जो सामने वाले घर में फुटस्टेप आ जाते मेरे को तो मैं जाके रश कर देता हूँ। अब ये बंदा तो कहते ही लूटा पार्टी कर रहा था तो मैं इसको थॉमसन से ही किल कर देता हूँ। अब मुझे इसके पास से मिल जाती है AKM, तो मैं AKM उठाता हूँ और सीधा रोजक के साइड चला जाता हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे बंदे नहीं आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पबजी बैन क्यों है, तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा जो डेटा होता है ना वो टेंसेंट कंपनी को जाता है जो कि चाइना कंपनी है। एक्चुअली पबजी कोरियन कंपनी है लेकिन पब्लिश तो चाइना की कंपनी टेंसेंट नहीं किया है। अब मैं पोचिंग से सीधा यहाँ आता हूँ और देखो क्या होता है। अब ये बंदा तो कतई बिल्डिंग पे चढ़ के मेरे को ही देख रहा था। अब मैं यहाँ थोड़ा सा अटक से जाता हूँ लेकिन इसको फाइनली किल कर देते हैं। अब इसका बंदा मेरे को सामने भागते हुए दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट गाड़ी उठाता हूँ और उस पर रश कर देता हूँ। अब ये बंदा मेरे को सामने प्रोन होता हुआ दिख जाता है लेकिन मैं थोड़ा उतरने में लेट हो जाता हूँ, लेकिन फाइनली उसको नॉकआउट कर देते और किल भी कर देंगे। अब मैं इसको जैसे ही किल करके इधर की साइड आता हूँ तभी उसका बंदा मेरे पे UMP से फायरिंग करता है, तो मैं उस पर नेट डालने की सोचता हूँ लेकिन नेट से कुछ होगा नहीं। तभी मैं इधर के साइड से जाके रश मार दूंगा और देखो क्या होता है। अब बंदा तो कहते ही झिक झाक कर रहा था यार, अब इसको प्रोनेन शूट के साथ ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं हमारा डेटा लीक ना हो रहा हो, मतलब हमारी प्राइवेसी पॉलिसी कहीं चाइना वाले हमसे छुपा ना रहे हो, इसलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है। अब हमारा जो डेटा होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है यार, क्योंकि एक तरह से समझ लो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी एक तरह से हमारी हैबिट होती है। अब सामने मेरे को बंदा लूटते हुए दिखता है तो मैं इसको नॉकआउट करके फुल फिनिश मार दूंगा। अब डेटा मतलब प्राइवेसी पॉलिसी मतलब एक तरह से हैबिट, जैसे कि तुम ये देख लो। अब मैं अपना गूगल ओपन करूँगा तो मुझे ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखेगा, जैसे कि पबजी हो गया, ओमेगल हो गया, फेसबुक वगैरह वगैरह। और जैसे कि और मैं तुमको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जब मैं यूट्यूब पे गया तो ये देखो मेरे को अपनी सिर्फ इंटरेस्ट की चीज़ें दिखाई गई, जैसे कि ये पबजी वगैरह हो गया, नॉलेज का हो गया। तो यही होता है हमारा हैबिट जो एक फ़ोन जान लेता है। अब ये बहुत बड़ी रिस्क है यार, इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे वो प्राइवेसी जाने, हमारा डेटा वगैरह जाने, इसीलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने
इस ऐप को बैन किया है। अब दिक्कत पबजी की नहीं है, लेकिन जो चाइना कंपनी है ना टेंसेंट वाली, उससे दिक्कत है। अब चाइना के साथ हमारा रिलेशन उतना खास नहीं है। अब सामने ये मर्द मेरे को बंदा दिखते है, इस पर मैं फायरिंग करता हूँ, लेकिन अब ये बंदा तो कतई शॉटगन लेके बैठा था, हार्ट स्कोप करके शायद। अब मेरे को एक भी गोली लग जाती शॉटगन की तो मैं यहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन बंदे का ध्यान नहीं था। अब मैं बंदों को काफ़ी ढूंढता हूँ यार, पोचिंकी से रोजोक में आके, लेकिन बंदे इतने जल्दी ख़त्म हो जाते कि पूछो मत। अब मैं इस ड्रॉप पर लूटने आता हूँ, शायद बंदे आएंगे। और यहाँ से मेरे को M249 मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बंदे नहीं मिलते। तो मैं सेवरनी के साइड आता हूँ, यहाँ पे बंदे चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई नहीं होता। तो यहाँ आके मेरा पेट्रोल ख़त्म हो जाता, तो मैं पैदल भागते हुए जाता हूँ, तभी मेरे को एक बोट दिख जाता है। और इस बोट को ख़त्म करने के बाद मैं इधर के साइड आता हूँ गाड़ी लेने, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। देखो तुम, मैं कितना मुक्का चलाता हूँ, कितना गन पीछे भी रखता हूँ, ऊपर नीचे कूदता भी हूँ, लेकिन तो मैं दूर जाके दौड़ के आऊँगा, एक गुस्सा मारूँगा, तब जाके ड्राइविंग मतलब ड्राइव का ऑप्शन आएगा। क्या ही बग था यार ये। अब मैं इधर के साइड फ्लेयर दिखी थी मेरे को, मैं फ्लेयर के साइड आता हूँ, तभी मेरे को एक बग्गी जाते हुए दिख जाती है, तो मैं इसके पीछे लगा देता हूँ। अब बंदा मेरे को इतना भगाएगा, सीधा याशनाया में लेकर चला जाएगा। अब मैं इधर सीट चेंज करने के मारने के सोचता हूँ, लेकिन बंदा निकल जाता है, तो मैं फिर उसके पीछे ही जाऊँगा। अब मेरे को लगा बंदा मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन सामने ही बग्गी पार्किंग में लगा रहा था शायद। अब यहाँ पे देखना मेरा क्या ही है, मतलब क्या हो रहा था मेरे साथ, देखो तुम। अब यहाँ पे मेरा नेट भी ठीक ठाक था यार, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। अब सामने मेरे को बंदा दिख जाता है, और इसको M249 से नॉकआउट कर देंगे और जाके फिनिश भी कर देंगे। अब बंदे के पास तो फ्लेयर भी था, शायद उसके पास दो फ्लेयर थे कि क्या थे, एक सैलादी होगी और एक लास्ट जोन में चलाएंगे, ऐसे सोच के रख रखा होगा। यहाँ पे मेरे को बंदे के फुटस्टेप आते तो मैं उस पर ग्रेनेड डालता हूँ। अब जैसे ही मैं दूसरे ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ, तभी वो बंदा पिन की आवाज़ सुन लेता है और बिल्डिंग में से भाग जाता है और मेरे को सामने दिख जाता है। तो इसको M249 से ख़त्म कर देते हैं, और इसका नाम यमराज था, और इसको यमराज के पास ही पहुँचा देते हैं। एक और बोट आता है तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अब मेरे पास एक फ्लेयर थी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके अपनी फ्लेयर चला देंगे मज़े में। अब बंदे इतने जल्दी ख़त्म हो गए थे कि पूछो मत, लास्ट के दो ही बंदे बचे। तभी मेरे को एक बंदा दिख जाता है, और इसको M249 से ख़त्म कर देते, और अपना ड्रॉप भी आ गया, तो जाके लूटेंगे मज़े में। अब ड्रॉप में से मेरे को मिल जाती है AWM, तो उठा लेंगे। अब यहाँ पे मैं AWM के आम उठा ही रहा था, तभी मेरे को गाड़ी का साउंड आता है, और मैं गाड़ी का पीछा करता हूँ। अब मैं इधर के साइड गाड़ी उठाकर उसका पीछा करेंगे ऐसा सोचता हूँ, तभी वो गाड़ी मेरे को दिख जाती है। अब बंदा तो कतई फास्ट निकलता है यार, वो इस बिल्डिंग में जाके छुप जाता है और वहीं पे कैंपिंग करने लगता है। अब बंदा मेरे को कहते एक रोजा से डरा रहा था यार, लेकिन इसका टेंशन मतलब इसको AWM से ही किल करेंगे।
अब बंदे ने कहते स्मोक कर रखे थे और वहीं पे टीपीपी ले रहा था, तो मैं टीपीपी वाले को सामने नहीं जाता यार, आप सबको पता है। तभी वो बंदा छलांग लगा देता है क्योंकि वो जोन में जाने की फिराक में था। अब बंदा मेरे को नीचे दिख जाता है और वो गाड़ी लेकर भागने ही वाला होता है, तभी मैं उस पर फायरिंग करके डरा देता हूँ उसको, तो वो पैदल ही भागने लगता है। और देखो लास्ट वाले बंदे को कैसे मारते हैं WM से। अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब 2 दिसंबर को पता चलेगा कि PUBG आ रहा है कि नहीं, शायद इंडिया के लिए नया वर्जन लेके आ सकता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर एंड बाय।